दुआ करो कि अमोली मेरे पास आ जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे सिर्फ अमोली चाहिए, सिर्फ अमोली। मुझे मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, समझे? अभी भी आई थी सर था, लेकिन मैंने उसे वापस मालिक के पास भेज दिया। आपसे बड़ी डरपोक तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अमोली, अगर आप में वाकई इतनी हिम्मत होती तो आप वो सब कुछ 10 साल पहले कर चुकी होती जो मैं आज करने जा रही हूँ। मैंने पूछा मोनिका है, बताओ कहाँ है मोनी? तुम मैंने कहीं काम करो, बकवास बंद करो, बताओ मोनिका है कहाँ है? बताओ तुमने कहाँ है मोनी? नहीं नहीं मोनी, तालाब में डूब कर उसने अपनी जान दे दी। तुम झूठ बोल रही हो, यही सच है। मेरी आंखों के सामने उसने अपनी जान दी। तुम्हें चाहो तो मैं कुछ भी कर सकती देखो। अच्छा किया मैंने उसे रोका नहीं, शायद यही एक रास्ता था तुम्हारे गंदे इरादों से बचने का। इससे पहले मुझे आईना दिखा देगी मेरा असली चेहरा, आपका चेहरा दिखा देख। मैं इतनी बुरी नहीं थी ठाकुर, 10 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। तुमने बताया मुझे ऐसा, 10 साल से मैं अपना अंदर की औरत मारती रही। उससे तो अच्छा था कि मैं पहले खुद में आपको जान लू। अच्छा किया अमोली मर गई, अच्छा किया वो मर गई। अमोली मर नहीं सकती सामना। अच्छा बताओ क्या हुआ है, बोलो। तुम उससे मिल गई हो ना? तुम तो ऐसी कमीनी औरत हो, तुम बुद्धि क्या कर सकता हूं मैं? मेरे खिलाफ तो चाल चल रही है मुझसे, मुझसे बदला लेने के लिए। मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मैं निकल पाता हूं, मैं उसे घूम के निकाल लूंगा। अगर उसे किस्मत में मौत है तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अमोली मेरी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अमोली बहुत दूर चली गई। अगर वो जिंदा भी होती है ठाकुर, तब भी वो तुम्हारी कभी नहीं होती। क्योंकि वो बहुत अलग औरत थी, उसे मिट जाना मंजूर था लेकिन रुक जाना मंजूर नहीं था। अमोली मर नहीं सकती, अमोली कभी मर नहीं सकती। मुझे क्या कर रहे हैं? कभी नहीं मर सकती। छोड़ दीजिए, पागल हो गए आप। संभाल लो अपने आप को। सपना, सपना, सुबह परसों खरीद जाओ, डॉक्टर बुलाओ। मोनी ने इस घर को अच्छी तरह से देख लो चंदना, अब पूरी जिंदगी तुम्हें नहीं गुजारी। ये हमारा किचन है, इस जगह का तुम्हें खास ख्याल रखना है चंदन, क्योंकि आज के बाद
जो भी पकाना, बस वही पकाना। आओ ये रहा दीपेश और तुम्हारा कमरा। मैं अपने रूम में जाऊँ? हाँ हाँ जाओ ना, रोका किसने है? लेकिन मैं चंदना। चंदना भी आ जाएगी, जल्दी किस बात की? तुम्हारे रस्में तो पूरी हो जाए, तुम जाओ। तुम क्या झक मार रहे हो? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, तुमसे जितना करने के लिए कहा गया उतना करो बस। डॉक्टर देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, किसी गहरे सदमे की वजह से बेहोश हो गई है ये। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। बाय द वे एक खुशखबरी है, शोभना जी मां बनने वाली है। भैया आप सबको मुबारक हो, और हाँ उनका ठीक तरीके से ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं। अमोली ने पानी में छलांग लगाई थी। कुछ देर पहले हम उन्हें यहां से पानी में कूद कर एक काम, अपने आदमियों से कहो कि यहां से चप्पा चप्पा छान मारे।
मुझे अंगुली चाहिए किसी भी कीमत पर। जी मालिक। अरे क्या बोल बनकर खड़े हो, जाओ अंगुली को ढूंढो, किसी भी हालत पर अंगुली मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर अंगुली ने यहाँ से छलांग मारी है तो सबको उसका बचना बहुत मुश्किल है। आप मौली सुनता है वो कभी नहीं बन सकते, समझिए आप वो कभी नहीं बन सकते। जिंदा है ना तू? वहां से गिरने के बाद भी जिंदा है ना? तो फिर अंगुली कैसे मर सकती? अंगुली की जिंदगी पर मेरा हक है और मौत पर भी। नहीं जा सकते बगैर वो मर भी नहीं सकती, समझा? अगर तू जिंदा है तो अंगुली कैसे मर सकती है? जब तक मैं अंगुली को पा नहीं लेता ना, तू मर भी नहीं सकती, समझा? कोई कुछ भी कहे, अंगुली का जिंदा होना महसूस कर सकता हूं मैं। उसकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है। वो यही कहेंगे हमारे पास, मेरे पास। ए, तुम एक काम करो, दोबारा पानी में उतर जाओ। हम भी शायद तैरना नहीं जानती थी, इससे शायद पानी के साथ बहती हुई चली थी। वो पानी के बहाव की दिशा देखनी हो, तुम पानी में उतर जाओ और हाँ, तैरना मत। तो पानी का बहाव तुम्हें जहां ले जाए बस बहते चले जाना। तब हमें पता चल जाएगा कि अंगुली कहां है। मालिक मालिक इसकी हालत तो देखिए, ये ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता मालिक, ऐसे तो ये मर जाएगा। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। काम करो, इसकी जगह तुम पानी में कूद जाओ। कोई जिए या मरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी अंगुली वापस चाहिए, वो भी जिंदा। पहले तुम कुछ भी करो, मरो या मारो, मैं तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देता हूं। मुझे मेरी अंगुली वापस चाहिए, समझे? बाकी तू समझदार हो, जिस काम का जिम्मा लिया है उसे पूरा करके ही रहोगे। यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? जा! बेचारा अपनी बेटी को Thank you.
जाना चाहता है, तुमने फिर भी उसे हवेली भेजा। उसके पैदा होते ही तुमने उसे मार देना चाहिए था। तो आज बाप बेटी के रिश्ते को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मैं उम्मीद लेकर वो आई होगी यहाँ कि चाहे दुनिया उससे मुंह मोड़ ले, लेकिन उसके बाबा उससे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। लेकिन आपने वही कारनामा कर दिखाया, वापस भेज दिया उसे उस नर्क में, घुट घुट के जीने को और पल पल मरने को। क्या मांगा था हमारी बेटी ने? एक आजाद और इज्जतदार जिंदगी, वो भी नहीं दे सके तुम उसे? तुम तो बेचुराब से भी ज्यादा गिरे हुए हो। उसने कम से कम अपनी मजबूरी की वजह से अपनी बेटी को गिरवी रखा, पता नहीं क्या पाप किया था मैंने पिछले जन्म में, जो आज मेरी अमोली को ऐसा बाप मिला। ये गंगा जल है और ये पूजा की थाल। उर्मिला मंदिर में है, जाकर देखो। जा रहा है सब। आप लोग सफेद कपड़ों में? ऐसे मौकों पर सफेद कपड़े ही पहने जाते हैं दिग्विजय। ऐसे मौकों पर मतलब? दाव साहब बताइए क्या हुआ और सब क्या हो रहा है? अमोली की आत्मा की शांति के लिए आज घर में उसके लिए कुछ क्रियाकर्म करना है। हमने पंडित जी को कहलवा भेजा है, और हाँ, चंदना के ससुराल में भी खबर भिजवा दी है कि अमोली की मौत की वजह से हम किसी भी किस्म का शादी का कोई रस्म नहीं कर रहे हैं। मरी नहीं है अमोली, कुछ नहीं हुआ उसे। अरे आप लोगों ने बिना किसी छानबीन के, बिना किसी सबूत के मांग कैसे लिया कि अमोली मर चुकी है? दिग्विजय, कोई भी इंसान तब तक मरा हुआ साबित नहीं होता जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक अमोली की लाश नहीं मिली है। लेकिन दिग्विजय, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे कल ही चंदना की शादी हुई है, अब तो इस घर की सजावट भी नहीं उतरी, और आप लोग ऐसे खुशी के माहौल में इस तरह माता मनाना ठीक नहीं है। मां समझिए आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने मान कैसे लिया कि अमोली मर चुकी है। अमोली ऐसे नहीं मर सकती, और कुछ देर पहले ही मैं साबित कर चुका हूं कि पानी में कूदने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है, और अमोली भी जिंदा है। कोई उसके जाने का शोक नहीं मनाएगा। शादी की जो भी रस्में जैसे तय हुई थी वैसे ही मनाई जाएंगी। कुछ नहीं रुकेगा, किसी हालत में नहीं रुकेगा, समझे? सुरेंद्र पुनीत, तुम लोग अभी कपड़े बदलो और चंदा के घर जाओ उसे लेने के लिए। आज पक्ष शुरू की रस्म है ना, जाओ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से।
अखिलेश नचिकेत मालकिन आपने जो अमोली का फोटो मंगाया था मैं लेकर आया हूं। अमोली जिंदा है, वो कभी नहीं मर सकती, समझी आप? वो कभी नहीं मर सकते, वो कभी नहीं मर सकते। साल का के सामने उसने अपनी जान दे, शायद यही एक रास्ता था तुम्हारे गंदे इरादों